तो देश में निर्माण गतिविधियों के जोर पकड़ने और वैश्विक अस्थिरता के साथ साथ बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों का असर सीमेंट के दामों पर भी देखने को मिल सकता है। केयर रेटिंग की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के दौरान सीमेंट की मांग में तेजी बनी हुई है। ये तेजी आने वाले दिनों में भी बनी रह सकती है। बढ़ती मांग के हिसाब से दाम भी ऊंचे स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में सीमेंट क्षेत्र में अब तक की सबसे ज्यादा 20% ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं इसके पिछले वित्त वर्ष में इसमें 11% की गिरावट थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में चल रही सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर कामकाज की वजह से यह वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इस क्षेत्र की मांग में 54% ग्रोथ देखने को मिली। यह क्रम इसकी अगली तिमाही में 22% की ग्रोथ के साथ बना रहा। तीसरी तिमाही में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर लगाम के चलते इसमें कुछ गिरावट भी देखी गई थी। हालांकि उसके बाद चौथी तिमाही में एक बार फिर से 13% की बढ़त भी रही। देश में मध्य और दक्षिण भारत में ग्रामीण घर निर्माण के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों की वजह से मांग ज्यादा बढ़ी है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में मांग एक दायरे में रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया रिटेल सीमेंट प्राइस दिसंबर को छोड़कर पूरे वित्त वर्ष 2021-22 में ऊंचा ही बना रहा है। सिर्फ दिसंबर महीने में ये 349 रुपये प्रति बैग के निचले स्तर पर देखा गया था। हालांकि इसके बाद वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में इसमें 23% का इजाफा देखा गया। विशेषज्ञों के मुताबिक दाम बढ़ने की प्रमुख वजह रूस यूक्रेन युद्ध और बढ़ते तेल के दाम हैं। इन वजहों से सीमेंट के उत्पादन की लागत प्रभावित होती है। आने वाले दिनों में भी आशंका यही जताई जा रही है कि दाम ऊंचे ही बने रहेंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में सीमेंट की मांग का ट्रेंड बढ़त की ओर ही इशारा कर रहा है। साथ ही छोटी अवधि में सीमेंट उत्पादनकर्ताओं पर बढ़ती लागत का दबाव रहेगा और ये इसका बोझ ग्राहकों पर डालेंगे। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि कंपनियों की तगड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए दामों में यह बढ़त बहुत ज्यादा होने के आसार नहीं है। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।